नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम कुमार। बैंक इन डेटा हाउस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर द मेंस। तो बेसिकली ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट मेंस के लिए है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है, और मैं आपको बता रहा था कि ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए लेके आया हूँ, बिकॉज बीच में जो है सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का, ठीक है। एज़ यू नो, आई एम सिलेक्टेड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क। तो काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी खुला टाइम भी है। आई होप आप सभी अपने घर पे होंगे एंड अपने देश को सेफ रखने में आप खुद की मदद और गवर्नमेंट की मदद भी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैंने सोचा कि एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की जाए, जिसमें आपके प्रिपरेशन में एक हेल्प होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंस लेवल। तो बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, जिसमें क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि ब्लैक में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिक ये टेबल बेस्ड, ठीक है, मिसलेनियस डीआई है, जिसमें कुछ चीज़ें मिसिंग भी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इस डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में है क्या, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट, इसमें आपको परसेंटेज का कंसेप्ट, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसका कंसेप्ट, रेशो का कंसेप्ट, सबका मिक्सचर है ये, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन कम से कम डेढ़ नंबर या दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो पांच क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप उस क्वेश्चन को लुक करें कि है क्या। तो आप देखोगे इंस्ट्रक्शन में, तो इंस्ट्रक्शन में गिवन है कि इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट्स एंड द प्रॉफिट फॉर द थ्री पर्सन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इज गिवन। मतलब इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट का टेबल गिवन है, स्टेट यूपी, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल है, तीन लोग हैं ए बी सी, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट है, इनमें से कुछ डेटा मिसिंग है, प्रॉफिट भी दे रखा है ए बी और ये सी का है, और इसमें से भी कुछ डेटा मिसिंग है, और लास्ट में नोट दिया हुआ है। कभी भी नोट्स जो गिवन होता है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, बिकॉज नोट्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आप नोट में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है, अगर उसको आप ना पढ़ो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है सम वैल्यूज़ आर मिसिंग एंड यू हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यू एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब जो डाटा इसमें मिसिंग है वो कहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इस डेटा के ऊपर बेस्ड, डेटा पे बेसिकली क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, मतलब इन स्टेट्स में इन बंदों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनके ऊपर कितनी प्रॉफिट हुई है वो गिवन है, कुछ डेटा मिसिंग है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो डेटा मिसिंग आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं अपनी हर वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप अपने तरीकों को इसके बाद मेरे तरीके से साथ मैच करके देखना कौन सा एफिशिएंट है, उसको आप इस्तेमाल करना पेपर में, बिकॉज पेपर में आपको पता है बैंकिंग में टाइमिंग और एक्यूरेसी दोनों मैटर करता है, ठीक है। किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ताकि वो सही हो, टाइम थोड़ा लगे चलेगा लेकिन सही हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस, नॉट फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स में टाइम फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्पीड फैक्टर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो मैं सीधा चलता हूँ इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि इफ अ पर्सन ए इन्वेस्टेड हिज अमाउंट इन यूपी, दिस इज यूपी, ए की बात करें तो ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ए ने इन्वेस्टमेंट की है 15,000 रुपीज़ की फॉर 9 मंथ्स। तो टाइम कितना है, 9 मंथ्स का है, 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की है। एंड द पर्सन सी, सी की बात करें तो सी के बारे में कितना दिया हुआ है, 25,000, और उसने इन्वेस्टमेंट किया है फॉर द 10 मंथ्स, ठीक है, फॉर द 10 मंथ। तो कह रहा कि देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड बाई ऑल ऑफ देम फ्रॉम यूपी। मतलब ए बी और सी तीनों का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट का एडिशन चाहिए सबका, कि टोटल कितना होगा ये आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते हैं और क्वेश्चन लेंथी होता है तो उसको डिकोड करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सारा का सारा क्वेश्चन मैंने डिकोड करके लिख दिया है, क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। आप मुझे पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 15,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ 9 महीने इन्वेस्ट करता है, सी 25,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ 10 महीने इन्वेस्ट करता है, बी के बारे में फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन था, यहाँ से देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन है। और हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट बताओ तीनों का मिला के कितना होगा फ्रॉम द यूपी स्टेट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, बी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन ढूंढोगे तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं गिवन, लेकिन बी का सीधा सीधा प्रॉफिट गिवन है, तो सीधा सीधा प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिया। सी का भी सीधा सीधा प्रॉफिट गिवन है, तो सी का सीधा सीधा प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिया।
तो अभी करना क्या है, सिर्फ ए का प्रॉफिट निकालना, बिकॉज हमें इस इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये और निकालेंगे तो इन सभी को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने देखा होगा पार्टनरशिप का क्वेश्चन, तो ये पार्टनरशिप वाला हिसाब किताब बन गया कि नहीं बन गया। देखो 25,000 रुपये 10 महीने के लिए लगाया गया तो 12,500 मिल रहा है, तो 15,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाया तो कितना मिलेगा, रेशो बना लो ना। इसकी रेशो बनाओगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है, 5 से गड़ा 5 बारी में, 5 से गया 3 बारी में, 3 9 कितना होता है 27, रेशो 5 10 50। तो अगर 50 की वैल्यू 12,500 है, 27 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 50 को 12,500 पर कैसे बनाया जा सकता है, 250 से मल्टीप्लाई करके। अगर 50 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे 12,500 आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू भी कितनी होगी, 250 से मल्टीप्लाई करके। तो 25 7 175 17, 25 2 50 और 17 कितना होता है 67 6750, 6750 ऐड कर दो, ये 12,500 और 8,000 20,500 और ये 6,750 इसमें और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 0527, 27,250 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आपने भी यही तरीका चुना था क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, देखो आपने कैसे किया, मैंने सिंपल ए जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में और डेटा में गिवन होता है उसको पहले लिखो और फिर एक पॉज लेके सोचो कि उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। अगर मैं दोबारा बताऊं तो ए और सी की अमाउंट दे रखी थी यहाँ पे टेबल में कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे टाइम गिवन था, सी का प्रॉफिट मेंशन था, बी का प्रॉफिट मेंशन था, हमें ए का प्रॉफिट निकाल के तीनों को ऐड करके आंसर निकालना था। तो हमने क्या किया, यहाँ से इनकी रेशो निकाल ली और रेशो से इसका प्रॉफिट निकाला, सबको ऐड किया, हमारा आंसर आ गया करेक्ट। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज कीजिए, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वैसे ही जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, ट्राई कीजिए कि आपसे जल्दी होता है कि नहीं होता है। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला हुआ है कि इन वेस्ट बंगाल स्टेट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी इज 85,000 रुपीज़, मतलब ए और बी के द्वारा मिला के टोटल 85,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। लेट मी कम दिस साइड, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी ने मिला के टोटल जो है 85,000 का इन्वेस्टमेंट किया इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, आदत ऐसी बनानी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ो और डिकोड करके लिखो। आगे लिखा है ए बी इन्वेस्टेड फॉर 4 and 6 month रिस्पेक्टिवली, मतलब ए ने 4 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए, यहाँ पे टाइम लिख दिया मैंने, इन्वेस्ट किया है। कह रहा फाइंड आउट द नंबर ऑफ मंथ दैट सी इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो लुक एट द टेबल जो आपके पास गिवन है, इसमें वेस्ट बंगाल में सी का क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए बी का क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले वो ले लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट का कॉलम खाली है ए और बी का, दैट मीन्स ए और बी का मिला के 85,000 गिवन है, तो ठीक है। सी की बात करें तो सी का इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सी का 17,000 रुपये दिया हुआ है, सी ने 17,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और प्रॉफिट सबका दिया हुआ है। लेट मी राइट इट कि प्रॉफिट जो है वो सबका दिया हुआ है 20,000 30,000 एंड 40,000, मतलब ए को प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपये का, बी को हुआ है 30,000 रुपये का और सी को जो हुआ है वो हुआ है 40,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें बताना है कि सी का टाइम क्या है, बस है ना। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा इसको आराम से लिखता हूँ 85,000, लेट मी राइट सी हियर। सी ने 17,000 का इन्वेस्टमेंट किया और इसका टाइम निकालना है और प्रॉफिट सबको यहाँ पे गिवन है। तो आपको दिख रहा है फिर से वही पार्टनरशिप वाली रेशो बन रही है कि नहीं बन रही है, पार्टनरशिप वाली रेशो बन रही है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ए और बी का अगर 85,000 गिवन है तो ए का मान लो कि ए रुपये ही इन्वेस्ट किया, तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा 85,000 माइनस में ए, और सी ने 17,000 किया है, तो इनकी रेशो बना लो, यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी तो फिर आप आराम से सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए इंटू 4 डिवाइड बाई में 85,000 माइनस में ए इंटू में 6 जो है उसकी रेशो क्या बन रही है 2:3, बिकॉज यहाँ पे 20,000 30,000 को 2:3 लिया मैंने, इस 2 से 2 कटाओ, ठीक है, ये 3 से 2 बारी में जाएगा, ये कट जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगी 85,000 माइनस में ए, ए की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 4,250, ये इधर आके होगा 2A और ए की वैल्यू आएगी 4,250, ए की वैल्यू 4,250 आई, इसका मतलब यहाँ पे ए ने 4,250 का इन्वेस्टमेंट किया और बी ने भी 4,250 का इन्वेस्टमेंट किया है। एज़ यू कैन सी कि ये दोनों बराबर होगा तभी 85,000 बनेगा ना।
तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस ये हो, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस ये है, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो हमें सिंपल सी कहानी यहाँ पे पता है कि 42500 इंटू 4 डिवाइड बाई में इसको x लेट कर लो, x इंटू में सॉरी 17000 की बनता ना ये 17000 इंटू में x कर लो और इनकी रेशियो क्या बनेगी 2:4। क्यों लिया मैंने, मतलब a का और c का ले लिया, b और c का भी लोगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ 1/2 और इसको 00 से 00 का डालो, x की वैल्यू कैसे निकलेगी 425 इंटू 4 डिवाइड बाई में 170 और मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू में x। तो यहाँ से कटा लो, ये कट जाएगा 25 से कटेगा है ना, पहले 17 से कटा लो, 25 बारे में कट जाएगा और ये 0 है तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 से कट जाएगा, 5 चौका 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब x ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, 20 मंथ्स के लिए। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल गिवन था कि a और b ने 85,000 इन्वेस्ट किया है, c ने 17,000 इन्वेस्ट किया है। तो a ने अगर a अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा तो b ने 85,000 माइनस a किया होगा, टाइम इसकी गिवन थी ये निकालनी थी, इनकी रेशियो निकाल की इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर किसी के साथ भी रेशियो बना के मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, जो कि जीवन कैलकुलेशन से आपका आंसर निकल गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, इसको आप ट्राई कीजिए फिर मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। तो आपको ट्राई कैसे करना है, वीडियो को पॉज करना है, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि मैं यहाँ वेट नहीं कर सकता, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्वेश्चन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड देन मेरे तरीकों को अपने तरीके के साथ मैच कीजिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम राजस्थान बाई ऑल ऑफ देम इज 32375। राजस्थान स्टेट की बात करें, ये रहा, तो राजस्थान स्टेट में बोला गया कि सभी के द्वारा प्रॉफिट, मतलब ए बी और सी तीनों ने मिला के प्रॉफिट कितना कमाया है, 32375। अगर प्रॉफिट वाला कॉलम देखोगे तो राजस्थान से सी दिया हुआ है 14,000, तो सी का 14,000 पता है, तो ये हमने लिख दिया। क्वेश्चन पढ़ के डिकोड करना आना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पढ़ के अगर डिकोड करोगे तभी ठीक से कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और साथ साथ लिखो। एंड ईच इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ, तो टाइम की अगर बात करें, इसने भी 9 महीने के लिए, इसने भी 9 महीने के लिए, इसने भी 9 महीने के लिए, तो इसको चाहे लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन राजस्थान टू द प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम यूपी। हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है किस चीज़ के बीच में, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए फ्रॉम राजस्थान एंड प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम यूपी, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो पहले ए बी सी के इन्वेस्टमेंट के बारे में पता करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या क्या बने फ्रॉम द स्टेट राजस्थान। तो राजस्थान में देखोगे तो बी में हमें दिया हुआ है कि बी ने इन्वेस्ट किया है 7,000 रुपीज़ और सी ने इन्वेस्ट किया है 8,000 रुपीज़ एंड वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। तो क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, बहुत आसान है निकालना। कैसे, देखो अब आपको दिख रहा होगा कि ये इसका रेशो 1:1:1 बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टाइम का रेशो 1:1 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 9 से भी निकालोगे तो सेम आएगा, 1 से भी निकालोगे तो सेम ही आएगा। दैट मीन्स कि 8,000 इन्वेस्ट किया तो 14,000, 7,000 इन्वेस्ट किया तो कितने पैसे आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर 8,000 की वैल्यू 14,000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 14,000 डिवाइड बाई में, सही लिखा है मैंने, ठीक है, 8,000, ठीक है। तो कहाँ थे हम थे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि 8,000 वन टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो 14,000 पे मिल रहा है, मतलब 8,000 की वैल्यू 14,000 है, एक की वैल्यू होगी 14,000 बाई 8,000, तो हमें 7,000 की वैल्यू निकालनी है, तो 14,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू में 7,000, इसको कर लो सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे 3 0 से 3 0 गएगा, ये कटेगा 2 से 4 बारी में, ये कटेगा 2 से 7 बारी में, 4 से कटेगा 25 बारी में, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी 7 × 7 × 10 × 25। 10 कहाँ से आया, 70 को मैंने 7 × 10 लिख दिया, यहाँ से 7 आया, यहाँ से 25 आया, तो ये 49 आएगा इंटू में 10 इंटू में 25, मल्टीप्लाई करो जस्ट, 25 को 9 से करोगे 225 होता है, 22 बचेगा, 25 को 4 से करोगे 100 होता है, तो 122 और 10 लगा दो, तो इसकी प्रॉफिट कितनी निकल गई, 12,250। तो अगर इसकी प्रॉफिट 12,250 आई है तो इन दोनों को प्लस करो और माइनस करो, तो इसकी प्रॉफिट आ जाएगी, तो 14,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18,375,
और 12,250 माइनस करोगे तो 5216 6125 रुपये का प्रॉफिट इसका आ जाएगा। एम आई डूइंग करेक्ट? 5716 6125 रुपये का इसका आ जाएगा। तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी कितनी आ जाएगी? 6125, बिकॉज हमें नहीं 6125 नहीं सॉरी अब देखो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? किसी के भी साथ रेशो बना लो, किसी के साथ भी रेशो बना लो। तो इसका बना लो जैसे कि इन्वेस्टमेंट था 8,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1, और इसका इन्वेस्टमेंट है 6125 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ पे इसका प्रॉफिट था 14,000 और इसका प्रॉफिट जो है वो आया है, सॉरी इन्वेस्टमेंट तो हमें निकालना है, सॉरी इन्वेस्टमेंट एक्स ले लो और प्रॉफिट कितना है 6125। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकलेगा? 30 से 30 गया, ठीक है, और 2 से ये गया 4 बारी में, 2 से गया 7 बारी में, ये 7 से कटता है क्या? 7 49 7 7 63 7 49 12 और 7 49 7 58 56 8 बारी में कटेगा 5 7 49 7 55 35। तो इसको इधर आके मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू आएगी 875 × 4 3,35,500 रुपये। दैट मीन्स इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 3,500 रुपये आ गई। इसको मल्टीप्लाई करो 3,500, मतलब ए की इन्वेस्टमेंट 3,500 आ गई। तो यहाँ पे पूछा था कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन राजस्थान वो कितना है? 3,500 रेशो प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम यूपी। तो यूपी ये रहा, प्रॉफिट ऑफ बी 8,000 दिया हुआ है, सिंपली रेशो बनाओ। 00 से 00 कटेगा, ये आएगा 5 से 20 बारी में, 5 से 7 बारी में रेशो, ये 7:20, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन को कैसे करना है? क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंथी, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना था? आपको जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन था उसको पुट डाउन करो और उसको सॉल्व करो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, वीडियो को रिवाउंड करो कि मैंने कैसे किया है, देन आप इसको सॉल्व कर पाओगे डेफिनेटली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक। तो बेसिकली दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो को जस्ट पॉज कीजिए एंड देन सॉल्व इट। तो हम चलते हैं सीधा इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो यहाँ पे बोला है कि द एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय ऑल ऑफ देम इन द तमिलनाडु इज 10,000। मतलब अगर तमिलनाडु की बात करें तो अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट 10,000 है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 30,000। कैसे लिखा मैंने? एक तीन लोग है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, जस्ट आपका 30,000 आ जाएगा। और 3 लोग कौन कौन है? ए बी एन सी। आप तमिलनाडु वाला देखोगे तो ए में दिख रहा होगा आपको 9,000, बी में दिख रहा है 10,000, तो सी लफ सिंपली कितना हो जाएगा? 11,000। बिल्कुल, बिकॉज इन समी का सम जो है वो 30,000 होना चाहिए। यहाँ पर बोला था कि एवरेज इन्वेस्टमेंट बाई ऑल ऑफ देम फ्रॉम द तमिलनाडु स्टेट इज 10,000, टोटल 30,000। ए की वैल्यू दिया हुआ है हमें, बी की दिया हुआ है, सी का हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे दिया हुआ है द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेम स्टेट इज 6,000 एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की बात करें फ्रॉम द सेम स्टेट, एवरेज जो है वो 6,000 है, तो टोटल कितना होगा? 18,000। तो इसमें ए बी और सी तीन लोग हैं। प्रॉफिट का कॉलम देखोगे तो आपको दिखेगा 4,500 फॉर दिस, दिस इज 4,500 नॉट 45,000, प्लस 6,000 फॉर दिस। तो इसके लिए कितना होगा? 10,500, तो ये 7,500 हो जाएगा, तो ये 18,000 बनेगा ना। पूछा क्या है देन? द प्रॉफिट अर्न बाई सी फ्रॉम सेम स्टेट, तो सी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 7,500, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज मोर लेस देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सी फ्रॉम द सेम स्टेट। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी सी की? 11,000, तो माइनस में 11,000 डिवाइड बाई में 11,000 और इनटू में 100। मैंने बार बार आपको बताया हुआ है जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस पूछ रहा है तो जो हमेशा बाद में होता है वो माइनस होगा और नीचे बेस में भी आएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? देखो ये बनेगा आपका 3,500 डिवाइड बाई में 11,000 इंटू में 100। तो ये 3 0 से 2 0 और 1 0 गया, 350 बाई में 11, इसका बना लो तो 11 3 33, 11 × 11 9 बाई में 11, तो 31 9 बाई 11 परसेंटेज इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ए बी सी इन्वेस्टेड इन गुजरात स्टेट फॉर 5 months, 8 months and 6 months रिस्पेक्टिवली, देन प्रॉफिट अर्न बाई सी फ्रॉम गुजरात इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाई ए बी टुगेदर फ्रॉम द सेम स्टेट इफ टोटल प्रॉफिट अर्न बाई ऑल ऑफ देम इज ऑल ऑफ देम फ्रॉम गुजरात इज 8,700। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आई होप कि जो कंसेप्ट मैंने पिछले 4 क्वेश्चन में आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा और आप
इतने एबल होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको सॉल्व करें, एंड मैं आपको हिंट में बताता हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो या तो 45% होगा या 50% होगा या 55 होगा या 40 होगा। लेट मी गिव यू हिंट, 45 या 50 में से कोई एक आंसर है। सॉल्व करो एंड सॉल्यूशन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो उसका आंसर मैं ज़रूर आपके कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कि आपने सही जवाब दिया है कि गलत जवाब दिया है। तो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व भी करा दूंगा मैं, कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं ही करूँगा और आप नहीं करोगे तो फिर उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर आपने सीखा है, समझा है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सारी की सारी क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो जल्दी ही ऐसे ही डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपके लिए मैं जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप डेली बने रहें, बिकॉज घर में ही हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं रोज़ के सोच रहा हूँ दो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन तो आपको मैं कराऊँ। तो आज ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कल से दो क्वेश्चन, मतलब दो वीडियो रोज का आएगा पक्का डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, जिसको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे क्वेश्चन भेजिए, उसका सोल्यूशन भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो सबसे बेस्ट लगेगा मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम बैंक एंड डेटा हाउस। वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच।